इंदौर में एसटीएफ ने ढाबे की आड़ में चल रहे नकली डीजल के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि धामनोद रोड पर ढाबों के पीछे नीले रंग के केरोसिन में अप मिश्रण कर बड़े पैमाने पर मिलावटी डीजल तैयार किया जा रहा था और ढाबे की आड़ में उसे बेचा जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद एसटीएफ की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने ढाबे पर छापा मार, जहां बड़ी मात्रा में नकली डीजल पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नकली डीजल तैयार करने के लिए नीले रंग के घासलेट को ब्लीचिंग एजेंट से उसका नीला रंग खत्म कर देते थे, फिर इस रंगहीन घासलेट में चिकनाई के लिए पुराना जले हुए इंजन ऑयल को फिल्टर कर उसमें मिला देते थे। इससे केरोसिन में चिकनाई और गाढ़ापन आ जाता था और इसका रंग कुछ हल्का पीला सा हो जाता था। इस पूरे प्रोसेस को तैयार करने में लगभग 35 रुपए प्रति लीटर का खर्च आता था और इस डीजल को राह चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स को 60 रुपए के भाव में यह बोलकर बेच देते थे कि उनसे कहा जाता था कि ये डीजल दूसरे ट्रक ड्राइवरों से लिया हुआ है। एसटीएफ की टीम ने ढाबों पर छापा मारा, जिसमें 6 आरोपियों सहित लगभग 1000 लीटर नकली डीजल, बिजली के मोटर्स, पाइप्स आदि बरामद किए गए हैं।